आज बिना बैंड बाजे के ही तेरी बारात निकली है काली नगर, अब क्या करेगी? आज सच में ऋतिक ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया हम सबको, बहुत अच्छा लगा बेटा। वैसे पिछली बार तुम हालात की मर्जी से इस शादी के मंडप में आके बैठी थी, लेकिन इस बार तुम अपनी मर्जी से शादी करोगी ना मेरे बेटे से। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, आइए जी। इस बार मैं तुम्हारी सासू माँ बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारा कन्यादान करूंगी। जाओ बेटा। क्या हुआ, तुम्हें शादी से खुश नहीं हो क्या? भाभी शादी के 6 महीने हो गए और अभी भी आप इतना शर्मा रहे हो। चलो इसे कहते हैं वार, तीर एक शिकार दो। गठबंधन के लिए आगे आइए। मुझे हो क्या रहा है, मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक पा रही? शिवन्या कहाँ हो? अब तुम ही आके रोको ये शादी। ये गठबंधन उस सुनहरी नागिन के साथ तेरा बंधन हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा काली नागिन। आ छुपिया नागिन, बाहर निकाल, मैंने देखा तू इधर ही आई है। अरे निकल, डरपोक कहीं की, निकल बाहर। ए कंकुश रहेगा आया है, कंकुश रहेगा। फेरे के लिए वरवधू खड़े हो जाएं। उठो बेटा। शिवन्या कहाँ हो तुम? शिवन्या तुझे ये सब तो सिखा दिया अंकुश रह जा। इच्छाधारी नागिन, इंतकाम से पहले मारूंगी नहीं। इस खेल का आगाज मैंने ही किया है, अब इसका अंजाम तो मैं ही करूंगी। अंजाम भी मेरा, अंदाज भी मेरा। नागिन Oh,
शीशा अरे ये हवलदार के कपड़े में सीटी क्यों बजा रहा है? चुप करो ना, मैं पुलिस को बुला लूंगा। ए गब्बास, पुलिस इधर तेरे सामने खड़ी है। कांस्टेबल बाड़ा खाड़ी। यहाँ शादी हो रही है। शादी हो रही है यहाँ पे? खाना खाने आए हो क्या? ये अंकुश रहेजा का घर है जी। वही तो, यही बताने आया हूँ कि अंकुश रहेजा जेल में है। अरे कब से फोन लगा रहा तुम लोगों को, कोई फोन नहीं उठाता क्या? तुम लोगों को इनकमिंग के भी पैसे लगते हैं? मुझे खुद आना पड़ा। एंकी जेल में? अब उस बावले ने कौन सा बवाल किया है? नागिन को मारने भेजा था, खुद जेल में मरा बैठा है। मेरे डैड जेल में किस जुर्म में? अरे बहुत बड़ा जुर्म, लड़की छेड़ रहा था, लड़की। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? उनकी उम्र जानते हो तुम? इसी उम्र में फिसलता है आदमी, समझा? Just shut up. विश्वास ना हो ना तो आओ मेरे साथ। हे भगवान, एंकी जी जेल में? समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। अरे चलो। हाँ माँ, हम सब चलते हैं, चलो। मेरी बहू वाली नागिन तू बच गई आखिर? फिर तूने मेरा खेल खत्म कर दिया, वरना तेरी सहेली तेरी सौतन होती आज। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। अगर किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। जाओ यहां से। शिवानी मेरी बात। जाओ। जितनी दोस्ती निभानी है निभा लो, बहुत जल्द मैं तुम दोनों नागिनों को एक दूसरे की दुश्मन बना दूंगी। अब तुम दोनों की दुखती रख जान गई हूं मैं। एडवोकेट रतन, प्लीज आप जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचे। ओके, थैंक यू। इसको टपका क्या आया है? ये कपड़े किसके चुरा के लाया है? ए, क्या तक किससे बात कर रहा है? अंकुश राजा से? अंकुश, एंकी, एंकी। अरे ये किन भिखारी के साथ बिठा दिया इंस्पेक्टर? ए, चुप। शुक्र मना कि यहाँ बिठा के रखा है, ज्यादा बकबक करोगे तो अंदर कर दूंगा। अरे साहब, इसे फांसे पे चढ़ा दो। गोली से मार दो साहब, गोली से। जुआन छोकरी ने छेड़ तो हो तो बुड्ढो मवाले। एंकी जी, एंकी, एंकी जी, ये आप यहाँ आइए, बैठिए। यहाँ नहीं, वहाँ। एंकी जी, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? आप मेरे डैड को यहाँ नहीं रख सकते, छोड़ दीजिए इन्हें। ऐसे कैसे छोड़ेंगे? कंप्लेंट है इन पर। कंप्लेन किसने की? इन लोगों ने। बुड्ढा हो गया और जवान लड़की के पीछे? शर्म कर बुड्ढे, शर्म कर। चुप रहिए आप लोग। इंस्पेक्टर, मैं इनका वकील हूँ। क्या चार्जेस है मेरे क्लाइंट पे? ये चार सीट है, ये देख लीजिए। तो इन्होंने लड़की को छेड़ा, आप लोगों में वो लड़की कौन है जिसको इन्होंने छेड़ा? वो यहाँ नहीं आई। और आप लोग यहाँ आ गई? किसके साथ छेड़छाड़ की? आपके साथ की या आपके साथ? किसके साथ किया? वो लड़की के साथ। आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, पर वो बोल रही थी। किसी ने बोल दिया और आपने एक भले इंसान की ये हालत, इनको देख के आपको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं? अरे पहले पता तो कर लेते कि लड़की सच बोल रही है या झूठ।
मेरे डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते, समझ गए आप लोग? ऋतिक को कितना विश्वास है अपने इस नकली माँ बाप पर। क्या होगा उस दिन जब सच्चाई सबके सामने आएगी? ये सोसाइटी के एक इज्जतदार इंसान है, एक लड़की आई और आप लोगों को बेवकूफ बना के चली गई। ये सही बोल रहे हैं, जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम इन पे लगा है, जब तक वो खुद आकर कंप्लेन नहीं करती इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। चलिए डैड, चलिए। चलिए आंकी जी। मेरे ऋतिक से शादी कर रहे थे, तू ये कैसे कर सकती हूँ? शेषा, 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 लगता है शिवन्या मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। शिवन्या, तुमने मुझे बुलाया? क्या हुआ शिवन्या? तुम बताओ क्या हुआ? क्या हो क्या गया था तुम्हें शेषा? तुम तो मुझे खुद ऋतिक के पास जाने से रोकती थी ना, और खुद ही ऋतिक से शादी। जानती हो आज अगर ये शादी हो जाती तो हमारी जिंदगी, हमारा रिश्ता कुछ और ही होता। तुम तो जानती हो ना मैं ऋतिक से, कि ऋतिक मुझसे कितना प्यार करता है। जानती हो एक नागिन और एक इंसान के बीच के प्यार का अंजाम क्या होता है? पर मेरी शादी, मेरा मंगलसूत्र, गुरुदेव का वो वरदान, वो एक बात जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही, मैं ऋतिक से प्यार करती हूँ। शेषा, शेषा, क्यों जाकर उस मंडप पर बैठी? क्यों ऋतिक से शादी नहीं करना चाहती थी मैं? तुम्हारे ऋतिक से शादी, प्यार तो तुमने किया, कर लिया ना शिवन्या? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे प्यार से प्यार, मैं तुम्हारे ऋतिक से शादी कैसे? शिवन्या, तुम ही मुझे यहाँ छोड़कर गई थी ना कि तुम अंकुश रहेजा को मारूंगी और मैं शिवन्या बनके यहाँ रहूंगी। तो रही मैं शिवन्या बनके, होगा ऋतिक तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दुनिया, लेकिन मेरा प्यार, मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो शिवन्या, सिर्फ तुम। मैं खुद चोट खा सकती हूँ लेकिन तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। मैं अपनी मर्जी से दुल्हन नहीं बनी थी। तुम्हारे जाने के बाद ऋतिक खुद आया था यहाँ, उसने अपने हाथों से मुझे साड़ी पहनाई। मैंने तुम्हारी जगह नहीं ली शिवन्या, मुझे लेनी पड़ी। जब तैयार करके मुझे नीचे ले गए तो मैं खुद हैरान हो गई। शादी का मंडप सजा था, शादी रची थी, अगर मैं ना कहती तो उन लोगों को शक हो जाता कि मैं शिवन्या नहीं हूँ। मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारा इंतजार करती रही कि कब तुम आओगी और ये शादी रुक जाएगी। मुझे तुम्हारा ये घर, तुम्हारा ऋतिक, तुम्हारे ये रिश्ते नाते, ये कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनी बहन चाहिए शिवन्या, जो इन रिश्ते नातों में कहीं खो गई है। और आज इंसानों की वजह से मुझ पर चक्कर बैठी। नहीं शिवन्या, आज पहली बार मेरा दिल टूटा है, पहली बार। महाराज, क्या हुआ? महाराज, क्या हुआ? ये गूंज, ये कोलाहल सुना आपने? ये मधुमक्खी की आवाज, वो कीड़ा? नहीं महाराज, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मुझे क्यों सुनाई दे? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो मधुमक्खियां महिष्मति आने का अर्थ सुना रही हैं? वो आ रहे हैं,
खतरा पास आ रहा है। बचाओ मधुमक्खी। मरिया बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे घर पर, तुम जा। तूने मेरी प्रजा को आहत करने की कोशिश भी की तो ऐसे ही चीर के रख दूंगा महिष्मती। आप वहां जाएंगे, वहां आपकी सौतेली बहन यामिनी और उसका परिवार, वो लोग आपको मार डालेंगे। जब आप पिछली बार वहां गए थे तब क्या हुआ था याद है ना आपको? मुझे मेरे बेटे से मिलना बहुत जरूरी है। वो आ रहे हैं, महिष्मती आ रहे हैं, और अगर वो आ गए तो इस नागमणि की रक्षा मेरे वश में नहीं। इसकी रक्षा सिर्फ एक ही कर सकता है, मेरा युवराज। यावनी जी के कहने पे नहीं जाता तो यावनी जी सिर तोड़ देती, और यावनी जी के कहने पे चला गया तो नागिन ने आके फोड़ती मेरी आंखें। चुप कर रात से चू 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 किया जा रहा है तू। हाँ बिल्कुल चैन नहीं है तुझे। उफ़ो, पर वैसे तू क्या कर रहा था? कट्टा दिया था ना मैंने, गोली क्यों नहीं चलाई उस पे? चलाई तो थी, राइट पे मारता था तो लेफ्ट पे जाती थी, लेफ्ट पे मारता तो राइट पे जाती थी, होश पे भी ऐसे ऐसे चलती, ऐसे ऐसे। अगली बार चार पेट पिलाऊंगा तब सीधे चलोगे, फिर कट्टे से गोली चलाऊंगा। इस बार सारी गोलियां वेस्ट हो गई, सब वेस्ट हो गई। अब एक अंगूठी से काम नहीं चलने वाला, गुरु माँ से और 5-6 अंगूठियां लेनी पड़ेंगी। एक कान में बाली बना के पहनूंगा, नाक में नथनी बना के डालूंगा, पैर में पाजेब बना के, और हाथ में भी पता नहीं कहाँ पे। मेरी आंखों का पट्टा बना दिया, पट्टा। ये भगवान, चिल्लो मत, मेरे कान के पर्दे फट गए। और तू ही बड़ी बड़ी बातें कह रहा था ना कि मैं नागिन को मार दूंगा, अब हुआ क्या? अब अगर वो नागिन आकर यहाँ बैठ भी गई ना तब भी तुझे पता नहीं चलेगा कि वो नागिन है। आंख जो फूट गई तेरी। मेरी बात सुनिए, अब आप भी मुझे समझ आ सकती है। अब तो वो इधर आएगी तो मैं उसे देख भी नहीं पाऊंगा। तेरी आंखें नहीं, तू तो पूरा का पूरा बुढ़ा हो गया है, पटारा हो गया है तू। ठीक है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एल्की जी, आपकी ये हालत देखी नहीं जाती है एल्की जी। देखिए आप क्या हो गया है। प्लीज आप भी मुझे उससे बचा सकती हो। आप मेरी मेरी कॉग हो, आप मेरी मर्दानी हो। प्लीज मुझे बचा लो, वो नागिन से मुझे बचा लो प्लीज। नागिन? हाँ बेटा, एल्की जी बोल रहे थे, उस नागिन के पीछे गए थे ना, उस नागिन की वजह से इनकी ये हालत हो गई। उस दिन तुमने इच्छाधारी नागिन को बचाया था ना आभूरियों से, देख आज उस नागिन ने क्या हाल कर दिया तेरे पिता का। एक बार वो नागिन मेरे सामने आ जाए। ठीक है आप कुछ आई ड्रॉप्स लिख के दिए, मैं अभी लाता हूँ। बेटा एक तुम ही हमारा सहारा हो, कोई हो या ना हो, पर इतना तो हम जानते हैं तुम हमेशा मेरे और आंकी के साथ रहोगे। मॉम ये मैं करता हूँ, आप जाके आराम कीजिए, मैं हूँ डैड के पास। ये तुम्हारा बाप नहीं है ऋतिक, जिस दिन सच जान जाओगे उस दिन टूट जाओगे। एंकी जी, मैं चलती हूँ, अब रोइएगा मत।
इधर भी बेटा, ये सब कुछ ना उस नागिन की वजह से ही हुआ है। देखो, आंकी जी, आप उस नागिन के पास क्यों गए थे? कैसे नहीं जाता, वो हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है यामिनी जी, और इस परिवार के हर सदस्य की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है ना, कैसे नहीं जाता? अपने आप को संभालिए। इधर भी नहीं देखी जाती इनकी हाल। जैसे भी है तो मेरे पति, शादी की है मैंने इनसे, इन्हें कुछ होता है तो बहुत तकलीफ होती है। यहाँ भगवान भी कैसी जोड़ियां बनाते हैं, कहाँ वो कातिल, कहाँ आप जैसी फरिश्ता। मेरी चिंता मत करो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm really sorry. आज ये जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से तुम्हारी शादी अधूरी रह गई। जो होना था वही हुआ, कोई नहीं जानता कि ऋतिक की जिससे शादी हो रही थी वो शीशा थी, मैं नहीं। मैं जानती हूँ तेरी सहेली को तेरी सौतन बना देती, पर मुझे क्या पता था मेरा बुढ़ा मालिक बाहुबली नहीं भीगी बिल्ली है। माँ, जब हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं होता, इसका मतलब यही होता है कि भगवान जी चाहते हैं वो ना हो। ये बोल तू नहीं चाहती थी, पर ऋतिक को काली नागिन के साथ देख के तेरा चेहरा तो सफेद पड़ा होगा जरूर। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है नागिन। माँ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, एंकी जी ने सवेरे से कुछ नहीं खाया, मैं उनके लिए कुछ लाती हूँ। माँ, किस लिए? उन्होंने आप पर हाथ उठाया और आप उनके लिए खाना बनाने जा रही हैं? क्या करूँ बेटा, पत्नी हूँ मैं उनकी, साथों निभाना ही पड़ेगा। पर सच्चाई ये है कि मैं ये सब कुछ अपने पति के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे पति के लिए कर रही हूँ, ऋतिक के लिए। सच्चाई तो ये है बेटा, अगर मैं एंकी जी का ख्याल रखूंगी तभी तो वो ऋतिक के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तुमने देखा ना कितना प्यार करता है ऋतिक अपने पिता से, पूरी रात उन्हीं के साथ बैठा था। अब ऋतिक ने जो भरोसा रखा है एंकी जी पे, वो कैसे तोड़ सकती है माँ, कैसे तोड़ सकती है? माँ, माँ बहुत अच्छी है। मॉम, मैं डैड के ड्रॉप्स लेने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं एंकी जी के पास बैठती हूँ। तुम रात भर सोए नहीं ना? शिवन्या, मुझे उस नागिन से अब बहुत नफरत होने लग गई है। मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन उस नागिन को छोड़ूंगा नहीं मैं। पर ऋतिक, पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उस नागिन का क्या दोष? डैड ने बताया मुझे, उस नागिन ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और उनकी हालत की। और तुम बार बार उस नागिन की वकालत क्यों करती हो, जैसे मैं इल्जाम नागिन पर नहीं तुम पर लगा रहा हूं। सॉरी, वो मूड ठीक नहीं है तो प्लीज नाराज मत होना। युवराज,
युवराज बेटा युवराज ये कैसी आवाज थी? कहीं किसी ने भेजे तो नहीं? मुझे शीशा से बात करनी होगी, उससे पूछना होगा। शीशा, शीशा, लगता है वो अब तक मुझसे नाराज है। अब तो जाकर उसे मनाना होगा। बचपन से लेके आज तक अपना हर पल अपनी हर खुशी तुम्हारे साथ बांटी है शिवन्या, लेकिन आज आज मेरे मन में जो एहसास है वो तुम्हारे साथ कैसे बांट लूं? जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो इंसान मुझे भी प्यारा लगने लगा है। मैं तुम्हारे प्यार से प्यार नहीं कर सकती शिवान्या। और ऋतिक, ऋतिक एक इंसान है और मैं एक नागिन। मैं एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती, नहीं, कभी नहीं बताऊंगी शिवान्या को कि मेरे दिल में आज क्या है। मैं जानती हूँ आज तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तुम्हारे दिल में बहुत सारा गुस्सा है, नाराजगी है मेरे लिए, पर मैं जानती हूँ कि उसी दिल में मेरे लिए ढेर सारा प्यार भी है और मैंने उसी दिल को दुखा दिया, अपनी बहन को रुला दिया मैंने। माफ कर दो मुझे। बचपन में हम कितनी बार लड़ते थे, कट्टी कर लेते थे। मैं रूठ जाती तो तुम मुझे मना लेते। आज मैं तुम्हें मना रही हूँ शेषा, मुझसे गलती हो गई, माफ नहीं करोगी मुझे? बचपन से जानती हो मुझे, लेकिन आज तक समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती शिवन्या। तुम जानती हो कि वहां सबके सामने मैं शेषा नहीं शिवन्या थी। मैं ये भी जानती हूँ कि ऋतिक के दिल में सिर्फ तुम हो। नहीं शिवन्या, आज के बाद मैं तुम्हारी दिल की दुनिया के आस पास भी नहीं आऊंगी। नहीं शेषा, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरा इंतकाम सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी थी शेषा। एक दूसरे के लिए बस अब हम ही तो हैं। अगर तुम मुझे अपनाओगी नहीं, मुझे माफ नहीं करोगी, तो मैं कहाँ जाऊंगी? शिवन्या कभी ना जान पाए मेरे दिल की बात। ये नागमणि यही कहीं छुपाई होगी इस नागिन ने, क्योंकि बरसों पहले मैंने यही पर देखा था नागमणि को।
कहां चली गई वो नागमणि? यही थी, मुझे शिवलिंग को हटाना होगा। इस शिवलिंग के नीचे ही उस नागमणि की कोई सुराग मिलेगी मुझे। किसी ने वशीकरण किया है। इन्हें यहाँ से ले जाना होगा, इन्हें होश मिलाना होगा, क्योंकि क्योंकि अब सिर्फ ये बता सकती है कि वो नागमणि कहाँ है। अब गुरुमा, गुरुमा, चलिए, गुरुमा, उठिए गुरुमा, चलिए, उठिए गुरुमा। योगीराज, अब आप ही कोई रास्ता बताइए शिवन्या को नागमणि तक जाने का। नागमणि मंदिर की धरोहर है। गुरुमा, गुरुमा कहाँ है? अभी यहीं थी। गुरुमा, गुरुमा, शिवन्या को मुझे बताना होगा कि गुरुमा को कोई लेकर गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवन्या, 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 शिवन्या। गुरुदेव मुझे बुला रहे, मुझे अभी जाना होगा। काली जय। वो नागिन ने मुझ पर तंत्र मंत्र किया, मुझे बंदी बनाए। बहुत शक्ति है उनमें, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप गुरुमा, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। एक बात बताइए, उन नागिनों ने वो मणि कहाँ छुपाई है? वो मणि नहीं है उनके पास। क्या कहा आपने? वो नागमणि उनके पास नहीं है, लेकिन लेकिन उन दोनों ने तो गुरुमा को ले गया। कोई कौन ले गया? आपने देखा उसे गुरुदेव? संग्राम सिंह, वो मणि तेरे भाई संग्राम सिंह के पास है। मैंने सुनी उनकी बातें, वो मणि उन्हीं के पास है। मेरे भाई, मेरे भाई संग्राम सिंह के पास है? तो फिर
तो फिर संग्राम सिंह ने वो मणि कहाँ छुपाई है? सब पता चलेगा। कौन आया था, कौन गया, कहाँ ले गया नागमणि? वो आया था काले लिबास में, टोपी पहना था सर पर और हाथ में दस्ताने थे। मैं उसका मुंह नहीं देख पाया। ऋतिक का असली पिता, वो पांचवा कातिल ले गया गुरु मां को। ये नागमणि यही है, ये पानी छवि दिखा रहा है। कुदरत का चमत्कार है, हमारे देव का प्यार, हमारे कुलदेव शेषनाग स्वयं प्रकट हुए पंचनेर में, स्वयं आके आशीर्वाद दिया है। हम इस मूर्ति की स्थापना राजमहल के मंदिर में करेंगे। जय शेषनाग। कितनी बेवकूफ हूं मैं, नागमणि मेरी हवेली के अंदर है और मैं उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रही हूं। मैं आ रही हूं भैया, एक बार फिर वो नागमणि लेने आ रही हूं मैं। इसका मतलब ऋतिक का पिता जानता है गुरु मां को। मां सही कह रही थी, वो पांचवा कातिल भी गुरु मां से मिला हुआ है। यही नहीं शिवन्या, मैंने कुछ अजीब और विलक्षण मधुमक्खियों को देखा जो उस इंसान के सर पर मंडरा रही थी। ये कैसी आवाज थी? अजीब संजोग है गुरुदेव, आज मैंने भी देखा। ये संकेत है। कैसा संकेत है गुरुदेव? विनाश का संकेत। ये कीड़े तभी आते हैं जब वो आते हैं। वो आ रहे हैं। कौन योगिराज, कौन आ रहे हैं? महिष्मति। महिष्मति, ये कौन है? ये वो हैं जो शक्तियां पाने के लिए नागमणि पाने आते हैं। अपार शक्ति पाते हैं, प्रलय मचाते हैं, पूरी कायनात को अपने कपट जाल में फंसाते हैं, गुनाहों के देवता बन जाते हैं। ये जब आते हैं तो है कि रूह भी कांप जाती है। इन्हें कभी उनके हाथों में ना आने देना, वरना पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे नागमणि को बचाना होगा। अब वो नागमणि उन कातिलों से भी वापस लेनी होगी और ये भी ध्यान रखना होगा कि वो उस महिष्मति के हाथों कभी ना आए। पर शिवन्या, तुम नागमणि ढूंढोगी कहाँ? हो ना हो गुरुदेव, वो नागमणि उस हवेली में ही है। शेषा ने बताया था जब वो वहां से ऋतिक के पिता की तस्वीर लेकर आई थी। ये? इस तस्वीर में तो वही इंसान है जो देवरी में। ये तो ऋतिक के असली पिता है शेषा। मैं हवेली में वो नागमणि ढूंढ ही लूंगी। वो नागमणि है और मैं
एक नागिन। मेरी हवेली, मेरी पंचनेर की हवेली, और मैं यहाँ की राजकुमारी, यहाँ की मालकिन हूँ मैं। यहाँ सब कुछ मेरा है। ना 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 मेरे राजा भैया, मेरे आने से पहले कैसे बता दूं आपको कि मैं आ रही हूं? आप सतर्क जो हो जाएंगे, इसलिए मैं पीछे के रास्ते से आ रही हूं। निहत्ते होंगे तभी तो आप मेरे वश में आएंगे, तभी तो आप मुझे बताएंगे कि नागमणि कहाँ है।